असलकुम एंड वी आयर टॉक अबाउट लिमरिक्स पहले भी हम बात कर चुके हैं कि लिमरिक होती क्या है लिमरिक जो है एक मजा uh, अशार जो होते हैं उनको लिमरिक कहते हैं बेसिकली पांच लाइनों की uh, ये पोइट्री होती है पहली दूसरी और पांचवी जो लाइन है वो उसमें सात से दस सिलेबल्स जो राइमिंग हो वो ज़रूरी होते हैं एंड दे नीड टू हैव द सेम वर्बल रिदम और जो तीसरा और चौथा है इन दोनों को जो है इनके पांच से सात सिलेबल्स हों एंड दे हैव टू राइम विद ईच अदर आप सोच रहे होंगे कि लिमरिक को हम पढ़ें क्यों देखें क्यों इसलिए क्योंकि पहले भी हमारी बात हुई कि एनी थिंग दैट इज़ फन दैट इज़ एंटरटेनिंग एंड दैट इज़ शॉर्ट कोई भी चीज़ जिसमें मज़ा हो Uh, जो कि छोटी सी हो वो बहुत ज़्यादा अब पॉपुलर होती जा रही है लिमरिक्स जो हैं वो आपके जिंगल्स में भी इस्तेमाल होते हैं जो तरीका है और वो आपके गानों में भी होते हैं इश्तहार बहुत ज़्यादा बनते हैं तो हम थोड़े से अब इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं दे वॉज एन ओल्ड मैन विद ए बियर्ड हु सेट इट इज़ जस्ट एज आई फेयरड टू आउल्स एंड अ हेन लॉक्स एंड अ रेन हैव ऑल नेस्ट इन माई बेर्ड सो मजा चीज़ है एक बूढ़ा सा आदमी है जिसकी दाढ़ी है वो कहते हैं भाई मुझे जिस चीज़ का डर था वो ही हो गया दो उल्लू और एक मुर्गी और चार लार्क्स और एक रेंज है वो मेरी दाढ़ी में रहते हैं यानी कि इतनी झाड़झाड़ जो है वो बड़ी किस्म की दाढ़ी है दैट इज वॉट द होल पोएम इज अबाउट अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं द वंस वॉज अ गर्ल्स सलीना Who wanted to be a ballerina. She went on her toes and broke her nose. Then she became a cleaner. वो बेचारी जो है वो बैलरीना बनना चाहती थी और उसने एक बैले का जो एक टिपटोस होते वो किए मगर गिर गई और और कुछ नहीं कर सकी तो सफाई करना शुरू कर दी उससे वो सफाइयाँ करती है तो इट्स अगेन लिमरिक इज़ अ फ़नी पोइट्री आपने देखा होगा कि जो लिमरिक है वो जो हम बचपन में नर्सरी uh, राइम्स सीखते थे ना उसमें भी बहुत इस्तेमाल होती है बेसिकली जो लिमरिक आई या जो वजूद में आई वो इसके ज़रिए आई और uh, जो कहानियाँ हैं पीछे इन नर्सरी राइम्स की वो तो बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं जो कि एक बड़े मज़ाक के ज़रिए उन्होंने uh, uh, जो शायर है उन्होंने Uh, उनका इजहार किया है हम एक uh, पढ़ते हमने मेरे ख्याल में सबने uh, जानते होंगे इस uh, नर्सरी राइम को हिकरी डिकरी डॉक द माउस रन अप द क्लॉक क्लॉक स्टॉक वन एंड डाउन ही रन हिकरी डिकरी डॉक हिकरी डिकरी डॉक चूहा चढ़ा ऑन द क्लॉक जब एक बजा उल्टा लटका तो ये अगर हम वैसे देखें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बहुत सारी है लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन हमें बहुत पता है मेरी लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फेयर लेडी build it up with sticks and stones sticks and stones sticks and stones build it up with sticks and stones my fair lady. yes sari jehai actually historic uh, uh, incidences were based here london bridge of giratha london bridge is falling down mary had a little lamb is about queen mary hickory dickory dock is about जब प्लेग हुआ था उसके बारे में है रिंगर रिंगर रोज़ेज जो है वो भी प्लेग के बारे में है कि कैसे लोगों को रिंग्स बनते थे रेड किस्म के पूरे जिस्म पे और फिर वो उस बीमारी से मर जाते थे तो हम आ, देखते हैं कि जो आ, बेसिक आ, जो तरीका है नर्सरी ये लिमरिक्स का कि कभी कभार वो बहुत संजीदा बातें जो हैं वो भी एक मज़ाक के जरिए एक हंसी मज़ाक में एक हल्के फुलके तरीके से आप बयान कर देता है शायर या कभी कभार वैसे ही बहुत मज़े की जो एक चीज़ होती है वो उसको शेयर करता है आइए कुछ हम और एग्जांपल्स आपको लिखकर भी दिखाते हैं तो ये पहले से मैंने एक लिखी हुई थी आई हैड एन ओल्ड आंट ब्रुक हु वॉन्टिड टू बी कुक शी कुड नॉट रीड सो अ लुक एट द रेसिपी शी डिड नॉट नीड एंड शी कु विद आउट अ तो हमने देखा जो राइम कर रहा है वो है ब्रुक कुक बुक और जो दो और रही है वो है रीड एंड नीड लेट मी ट्राई एंड राइट इन अदर लिमरिक सिंपल सी चीज़ है बहुत लोग इसको पढ़ के समझ भी जाएंगे अ कैट Sat on the mat. बहुत हमने ये सुना है मगर इसी का लिमिर हम आगे लेकर जाते हैं तो अब आपको पता चलेगा कि ये लिमिरिक बनेगा कैसे She did little but play. विद अ बैट अ कैच सेट ऑन द मैट ही डिड लिटिल पट प्ले विद अ बैट अब यहाँ पर हमें अगला वर्ड लाना होगा ताकि हम उसको मैट एंड बैट को हमने राइम किया जो तीसरी लाइन है वो एक डिफरेंट होगी नो वन खुड remove and many tried to prove so no one could remove and many tried to prove but the cat on the mat Stayed टेड विद हो so, मजा सी चीज है एक बिल्ली के बारे में बात हो रही है और हमने इन तीनों को राम किया है और फिर हमने इन दोनों को राम किया है और जो रूल्स हैं एक लिमरिक के उसको इस्तेमाल करते हुए हमने एक एक लिमेरिक जो है उसको लिखा है जैसे कि आपने देखा आप एग्जांपल्स मैंने आपको कुछ पढ़ के भी सुनाए कुछ लिख के भी सुनाए। लिमरिक जो है वो एक बहुत सा फॉर्म है इसमें जो पहला दूसरा और आखिरी वर्स है उसकी एंडिंग जो हैं वो राइम करने चाहिए और जो तीसरा और चौथा वर्स है उसकी एंडिंग राइम करनी चाहिए दैट्स द बेसिक रूल ऑफ अ लिमरिक बाकी छोटा होता है उसमें ह्यूमर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज दैट इज़ वॉट सेट्स इट्स अबार्ट तो आ, पहले भी मैंने आपको बताया दोबारा कह रहे हैं कि लिमेरिक को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए आजकल बहुत पॉपुलर होता जा रहा है ना सिर्फ आप अपने शौक़ के लिए कर सकते हैं बल्कि इट कैन बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम खास तौर पे अगर आप एडवरटाइजिंग के लिए करते हैं चाहे वो रेडियो ऐड हो या टेलीविजन ऐड हो या सोशल मीडिया पे अगर आप लिख रहे हैं आ, इट कैन बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू ऑनलाइन बहुत डिमांड होती है इसकी एजेंसीज भी ढूंढते हैं ऐसे लोग जिनके अंदर वो एक क्रिएटिव फ्लेयर होता है जो पोइट्री लिख सकते हैं और ख़ास तौर पे कॉमेडी जो है आपने टीवी पे भी देखा होगा रेडियो पे सुना होगा दैन एंटरटेनमेंट एंड स्पेशली यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे या फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉमेडी uh, या ह्यूमर के जरिए जो है वो पॉपुलर होते जा रहे हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज दैट यू कैन ऑल्सो बिकम पॉपुलर एंड स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन जस्ट कि जितना लोग आपका काम देखेंगे पढ़ेंगे लाइक करेंगे उससे भी एक इनकम आपको मिल सकती है थैंक यू सो मच